अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करते हैं। आज रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं हम मास मीडिया के हवाले से। ठीक है जी, देखिए सबसे पहले जो आपने एक चीज़ समझनी है वो ये चीज़ समझनी है कि हमारे पास जो पेपर फोर है उसका जो कोर पैटर्न है वो बड़ा थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, देखिए जी, पेपर फोर के अंदर आपके पास टाइम होगा 1 आवर 45 मिनट्स का। ठीक है जी, 1 आवर 45 मिनट्स का आपके पास टाइम पीरियड टाइम ड्यूरेशन होगा और उसके अंदर आपने 2 क्वेश्चंस करने होंगे। पहला होगा मास मीडिया का और दूसरा होगा रिलीजन का। ठीक है जी, तो एक्चुअल में इसमें ग्लोबलाइजेशन का भी सवाल आएगा लेकिन आपने उसको चॉइस में छोड़ना है। ठीक है, 2 में से कोई एक सवाल करना। लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 1, 2 जो होगा वो ग्लोबलाइजेशन से होगा, उसको रहने दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 या 4 आपके पास चॉइस मौजूद होगी, उसमें से कोई एक सवाल आपने अटेम्प्ट करना है और हर सवाल 35 मार्क्स का होगा। ठीक है जी, तो 70 मार्क्स का कंप्लीट पेपर होगा आपका। ठीक है, 3, 4 में से कोई एक सेलेक्ट करना है मास मीडिया में से और 5 और 6 में से रिलीजन में से कोई एक सेलेक्ट करना है। ठीक है जी, तो आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है, यानी कि आपने लेंथी आंसर्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। आपने अब शॉर्ट आंसर्स नहीं होंगे मीडिया और रिलीजन में, अब सिर्फ एक एसे बेस्ड क्वेश्चन होगा जो आपने प्रिपेयर करना है। तो आज के लेक्चर के अंदर मेरी पूरी कोशिश की होगी कि मैं आपको इस हवाले से थोड़ा सा प्रिपेयर कर सकूं। अब देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक अच्छा पैराग्राफ कैसे क्रिएट होता है। फर्स्ट वी नीड टू डिस्कस दिस थिंग। पहले तो आपने आर्गुमेंट को क्रिएट करना है, आपने आर्गुमेंट का की आइडेंटिफिकेशन करनी है, एक पॉइंटर दे देना है। ठीक है, उसके बाद उसका एनालिसिस, इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाना है। एक्सप्लेनेशन क्या है? लेट्स सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एक बहुत सिंपल से वर्ड्स में आइडेंटिफिकेशन दी कि भाई द मीडिया ओनर्स इंटरफेयर इन द कंटेंट ऑफ द मीडिया। ठीक है, तो भाई ये तो मेरी आइडेंटिफिकेशन थी। अगर मैं इसको एक्टिव पैसिव वाला गेम खेलना शुरू कर दूँ, इसी सेंटेंस को घुमा फिरा के कहना शुरू कर दूँ, तो भाई कोई पॉजिटिव बात नहीं है, वो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन वाली बात रहेगी। लेकिन अगर मैं ये करता हूँ कि मैं कहानी को थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द न्यूज़ एडिटर्स पॉइंट आउट द रूपर्ट मर्डॉक एज ही इंटरफेयर द फ्रंट पेज ऑफ हिज न्यूज़पेपर। ठीक है, समझ में आई बात? यानी कि फ्रंट पेज ऑफ द न्यूज़, अब क्या हो गया? एक्सप्लेनेशन एनालिसिस की तरफ चला गया। ठीक है, यानी कि उन्होंने भाई उसके बहुत सारे एडिटर्स से उन्होंने उसके ऊपर एलिगेशन लगाई थी कि भाई ये जो रूपर्ट मर्डॉक है ये फ्रंट पेज के ऊपर बहुत इंटरफेयर करता था कंटेंट में, ताकि वो अपने प्रोपेगेंडा को अपनी तमाम चीज़ों को इंटरफेयर अपने मीडिया के थ्रू अपने न्यूज़पेपर्स के थ्रू इंटरफेयर कर सके। ठीक है, ये एनालिसिस हो गया इस चीज़ का। ठीक है, अब आपने उसके बाद उसकी इवैल्यूएशन भी देनी है। ठीक है, However, in new media practices, the media content is produced and controlled by the produced and shared by the individuals. ठीक है, अब क्या है कि वो आपने उसकी पावर को आपने उसको चैलेंज कर दिया वहाँ पर जाके। ठीक है, तो इट मीन्स कि दिस इज ऑल अबाउट अ बेसिक पैटर्न टू ड्राइव अ कम्प्लीट पैराग्राफ। तो डिटेल पैराग्राफ्स की हमें ज़रूरत नजर आएगी इसके अंदर। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा अपने इस लेक्चर के अंदर आपको बहुत सारे पॉइंटर्स ऐसे दे सकूँ, बहुत सारे ऐसे पैराग्राफ्स के आइडियाज़ दे सकूँ जिनको आप अपने एग्जाम के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो जनाब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास आपने ये चीज़ें जो मैंने बोर्ड बनाया हुआ है आपने ये भी कॉपी करना है, और इसके अलावा जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये एग्जांपल्स वगैरह इन तमाम चीज़ों को भी अपने पास पॉइंट आउट करते जाएं। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। मैं हर चीज़ सिर्फ लिखी भी नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊँगा भी। पहली चीज़ हम बात करने वाले हैं द रोल ऑफ द मीडिया। अगर मैं सिर्फ इस चीज़ की बात करूँ ना, रोल ऑफ द मीडिया के भी, मीडिया का रोल सोसाइटी में क्या है, तो ये बड़ा एक बहुत ही कोई लंबी डिबेट है। ठीक है, मैं इस बात को थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ आपके लिए। सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये ओल्ड मीडिया और न्यू मीडिया की कहानी क्या है, ओल्ड मीडिया और न्यू मीडिया की कहानी क्या है। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन द ओल्ड मीडिया एंड न्यू मीडिया। ठीक है, देखिए इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के। अगर मैं टेक्नोलॉजिकली बात करूँ आपसे, टेक्नोलॉजिकली बात करते हैं सबसे पहले बेसिक लेवल के ऊपर, द ओल्ड मीडिया वाज एनालॉग फॉर्म ऑफ द मीडिया एंड द डिजिटल न्यू मीडिया इज़ अ डिजिटल फॉर्म ऑफ द मीडिया। एनालॉग और डिजिटल का जो डिफ्रेंसिएशन है वही ओल्ड मीडिया और न्यू मीडिया का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी चले कहानी को और चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसी वजह से हम इसको डिजिटल मीडिया भी कहते हैं, न्यू मीडिया को। कहानी को मैं और थोड़ा डेवलप करूँ, कंटेंट वाइज एक्सप्रेस करूँ, तो भाई मैं कह सकता हूँ इट्स अ सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ द मीडिया एंड दिस इज अ डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ द मीडिया। सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ मीडिया क्या है? एक बंदा कम्युनिकेशन कर रहा है और वो तमाम लोगों को अपनी बात कहना जा रहा है। ठीक है, कहते जा रहा है सेंट्रलाइज, एक सारा मीडिया कंटेंट एंड कंट्रोल बाय द सेंट्रलाइज अथॉरिटी। कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी है जो कंटेंट को कंट्रोल एंड एग्जैक्टली ठीक है
बट इफ यू टॉक अबाउट न्यू मीडिया इज ऑल अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन. द न्यू मीडिया इज ऑल अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि द कंटेंट इज प्रोड्यूस एंड कंज्यूम बाय द ऑडियंसेस. एम आई राइट? ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूँ दिस इज ऑल अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन, सही है, एंड दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रलाइजेशन, सही है, ओल्ड मीडिया सही है, यानी कि हमारा न्यू मीडिया को डिफाइन करने का था द मीडिया कंटेंट इज प्रोड्यूस एंड कंज्यूम बाय द ऑडियंसेस विच आर कंसिडर्ड एज अ प्रोज्यूमर्स. हम उनको प्रोज्यूमर्स कहते हैं बिकॉज हमारी ऑडियंस ही कंटेंट को क्रिएट करती है और वही उसको प्रोड्यूस करती है. इंस्टाग्राम के ऊपर आप ही प्रोड्यूस कर रहे होते हैं कंटेंट, एक तस्वीर डालते हैं और 100 तस्वीरें आप कंज्यूम कर रहे होते हैं. दैट इज ऑल अबाउट द न्यू मीडिया प्रैक्टिसेस. तो इन दोनों मीडिया प्रैक्टिसेस के अंदर जो हमारा रोल ऑफ द मीडिया विद इन द सोसाइटी होगा वो चेंज होता चला जाएगा डिमांड के हिसाब से, ऑडियंस की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से. चले जी, अगर मैं इस बात को थोड़ा सा और डिफाइन करता हूं आगे कि भाई एक सवाल है कि डाइवर्स ओपिनियंस होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर या एक पर्टिकुलर ओपिनियन मौजूद होना चाहिए. ठीक है, एक कुछ लोग कहते हैं कि सोसाइटी में डाइवर्स ओपिनियन होना चाहिए, यानी कि बहुत सारे ओपिनियंस होने चाहिए. ठीक है, और अगर हम मीडिया कंटेंट के हवाले से बात करते हैं तो एक डाइवर्स ओपिनियन की बात है और एक सेंट्रलाइज ओपिनियन की बात है. एक सेंट्रलाइज ओपिनियन, डाइवर्स ओपिनियन और सेंट्रलाइज ओपिनियन की अगर मैं बात करता हूँ तो पहले बात करते हैं डाइवर्स ओपिनियन, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे व्यूज़ मीडिया की जानिब से शेयर किए जा रहे हैं. एम आर आई? ठीक है, अगर मैं इस बात को कहता हूँ देयर इज़ अ नीड फॉर अ डाइवर्स प्रोविजन ऑफ मीडिया, यानी कि अब क्या है, मीडिया का डाइवर्स प्रोविजन होना चाहिए, बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ मीडिया मौजूद होने चाहिए, बहुत सारे कंटेंट होना चाहिए, बहुत सारे. अब इससे एडवांटेज क्या होगा, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू सामने आएंगे. वरना क्या होगा, मीडिया के अंदर जो एक पॉइंट ऑफ व्यू, अगर देखो मेरी बात सुनो, हमने क्या देखा, ओवर दी पीरियड ऑफ टाइम मीडिया कॉरपोरेशंस बढ़ना शुरू हो गई, कंपनीज बढ़ना शुरू हो गई. अब हर कंपनी एक चीज़ को, हर चैनल एक कंपनी, लेट्स सपोज एक चैनल, एक ओनर के कंट्रोल में दो चैनल हैं. ठीक है, लेट्स सपोज बहुत सिंपल सी बात बताऊँ, जैसे CNBC और समा एक ही चैनल, लेकिन दोनों का चैनल खबर को देखने का स्टाइल डिफरेंट है, तो डाइवर्स ओपिनियन नजर आ गया. ठीक है, यानी कि जितनी ज़्यादा कॉरपोरेशन होंगी, कंपनीज होंगी, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू सोसाइटी सामने आएंगे. ठीक है, उसके अलावा टू अवॉइड द अब्यूज़ ऑफ पावर, यानी कोई भी बंदा मोनोपोलिस्टिक अप्रोच के साथ नहीं आएगा. टू अवॉइड द अब्यूज़ ऑफ पावर, पावर की जो अब्यूज़ है सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है, क्योंकि अगर कोई इंसान अपनी पावर का अब्यूज़िव यूज़ करना शुरू कर दे तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी एक तरह से हाईजैक हो जाती है उसके हाथ. ठीक है, लेट्स सपोज अगर आप कहें कि मैंने, जैसे मैं बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल, चाइनीज़ गवर्नमेंट है, नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट है, क्या है वहाँ पर, क्या सीन है, बहुत सिंपल सी बात है कि अब्यूज़ ऑफ पावर हो सकता है. सही, दूसरी तरफ एक और बात सामने आती है कि मीडिया के जो कैपिटलिस्ट होते हैं, मीडिया के ओनर्स होते हैं, दे आर नॉट लाइक अ नॉर्मल कैपिटलिस्ट, ये कोई नॉर्मल कैपिटलिस्ट नहीं होते, दे आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैपिटलिस्ट विद इन द सोसाइटी. ठीक है, अब पावरफुल कैपिटलिस्ट भी कह सकते हैं आप इनको. ठीक है, दे आर नॉट अ, जैसे दूसरे, एक बंदा इंडस्ट्री चला रहा है, ठीक है, एक बंदा इंडस्ट्री चला रहा है, वो गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकता, वो गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकता, लेकिन जो आपका मीडिया ओनर है वो भी एक कैपिटलिस्ट है, लेकिन वो गवर्नमेंट चेंज कर सकता है, वो गवर्नमेंट को मैनिपुलेट कर सकता है, वो गवर्नमेंट को मैनिपुलेट कर सकता है, वो डेमोक्रेसी पर अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है. ठीक है, तो जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी पे इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है एक मीडिया कैपिटलिस्ट. ठीक है, इसी वजह से पाकिस्तान में भी अगर आप देखें तो बहुत सारे बिजनेसमैन जिनके प्राइमरी बिजनेसेस मीडिया नहीं थे, ठीक है, वो मीडिया कैपिटलिस्ट बन गए, बिकॉज दे जस्ट वॉन्ट टू हाईजैक द पब्लिक ओपिनियन, दे जस्ट वॉन्ट टू हाईजैक द गवर्नमेंट्स, दे वॉन्ट टू गेट द बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट. ठीक है, जैसे ARY ग्रुप है, ये तो ज्वेलर्स थे पहले भाई. ठीक है, अच्छा, इसके अलावा दुनिया TV के से है, वो लोगों का तो, वो तो एजुकेशनिस्ट है, मियां मेरे साथ एजुकेशनिस्ट हैं, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको, इसके थ्रू उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है. ठीक है, तो वो अगर आप जियो के ओनर की बात कर लें, सही है,
शकील रहमान साहब, वो एक्चुअली रियल इस्टेट का बंदा है। सही है, यानी कि अगर आप जियो का ऑफिस कराची का देखें तो आइए चंद्रीगढ़ रोड पे एक ऐसी जगह पर ऑफिस है, यानी कि वहाँ पर एक एक ऑफिस अरबों रुपए का है, और उस जियो की जो पार्किंग है वही दो या तीन प्लॉट्स पर तो जियो की पार्किंग है, तो इट मीन्स कि उसके पास कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो अभी भी जो मीशा के रहमान को अंदर किया हुआ एक प्रॉपर्टी के केस में किया हुआ, आपको पता तो ये बड़ी एक डिफरेंट स्टोरी है। तो क्या है, बिकॉज वो एक डेमोक्रेसी में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, पब्लिक ओपिनियन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, अब क्या हुआ अगर हम बात करते हैं, चलें जी इस हवाले से बात करते हैं, मीडिया ओनरशिप के हवाले से कंसंट्रेशन रेशियो की बात करते हैं, दुनिया भर के मीडिया के हवाले से या यूएस बेस्ड मीडिया की बात करते हैं, तो कंसंट्रेशन रेशियो क्या है, CR4 की अप्रोच होती है। CR4 का मतलब ये है कि चार बड़ी कंपनीज हैं वो 80% मीडिया शेयर अपने पास रखती हैं, बिजनेस शेयर अपने पास है। ऐसे हैं तो 6-7 कंपनीज, ठीक है, लेकिन उनमें से भी जो टॉप 4 कंपनीज होती हैं वो अपना बेसिक शेयर अपने पास रखती हैं। ठीक है, यानी एक तरह से उन, यानी कि देर आर वेरी फ्यू इंडिविजुअल हु आर कंट्रोलिंग द होल काइंड ऑफ मीडिया। लेकिन हम अभी जो कोड बात कर रहे हैं, हम डिजिटल मीडिया से इस बात को इवेलुएट कर सकते हैं। एम राइट, मैं कैसे इवेलुएट करूँगा मैं आपको आगे सिखाता हूँ। इसके अंदर मैंने जो थ्योरिस्ट है इसके अंदर, जो वैसे ये थ्योरी तो बहुत सारे थ्योरिस्ट ने दी है, लेकिन एक थ्योरिस्ट को मैंने यहाँ पर रिपोर्ट किया ताकि आप लोग इसको रेफर कर सकें, कि उसका नाम है बैन, BAN, ये स्पेस है, बैग डिकियन नाम है उसका। ठीक है, BAGDIKIAN, ठीक है। उसने क्या कहा, 1983 में USA के अंदर 50 कॉरपोरेशंस थी, 50 मीडिया कॉरपोरेशंस रन हो रही थी, ठीक है, लेकिन 1992 के अंदर 22 कॉरपोरेशंस में वो कन्वर्ट हो गई। कि क्यों क्यों कन्वर्ट हो गई, अब देखो कन्वर्जन क्यों हो रही है, वही वाली बात है, इंटीग्रेशन हो रही है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन हो रही है। सही है, कॉन्ग्लोमेरेट्स क्रिएट हो रहे हैं। कॉन्ग्लोमरेट्स क्यों क्रिएट हो रहे हैं, एक ऐसी कॉरपोरेशन जिस जो मल्टीपल फॉर्म ऑफ मीडिया बिजनेसेस को रन कर रही है, डिज्नी हो गया, सोनी हो गया, ठीक है। राउंड 13 में 6 कॉरपोरेशंस हैं जो मेजर बिजनेस मीडिया शेयर को होल्ड कर रही हैं, ठीक है, ये बात समझ में आती है। ठीक है, चलिए ये बात तो आपकी मैंने मान ली, ठीक है। अब आप इस बात को इवेलुएट करने के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट इन न्यू मीडिया की बात करेंगे, ऐसी बात है। अब आप बोलेंगे भाई वॉट अबाउट एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, समझ में आई बात, सही है, फेसबुक, भाई आज की मीडिया कॉरपोरेशंस, न्यू मीडिया कॉरपोरेशंस, क्या इन मीडिया कॉरपोरेशंस ने इनका शेयर ब्रेक नहीं किया, किया है ना, ठीक है। अब इसी वजह से आप बोलोगे कि भाई इनको ट्रेडिशनल पैटर्न से हट के न्यू मीडिया फॉर्म के अंदर अपने आप को इवॉल्व करना पड़ रहा है। लेट्स सपोज डिज्नी इज गोइंग टू स्टार्ट द डिज्नी प्लस, समझ आई बात, डिज्नी प्लस स्टार्ट हुआ, अमेजोन स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब क्या अमेजोन क्यों है, अब क्या है कि न्यू मीडिया बिजनेसेस जो हैं वो आपके ओल्ड मीडिया बिजनेसेस को ओवरलुक कर रहे हैं, यहाँ से ये वैल्यूएशन का पॉइंट क्रिएट हो जाएगा, समझ आई बात, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है, अच्छा अब क्या है, एक तरह से हम ये बात कह सकते हैं, अगर आप मीडिया ओनरशिप का सवाल अटेम्प्ट करें, पर्सपेक्टिव का सवाल भी अटेम्प्ट करें, तो ये बात आएगी कि भाई न्यू, जैसे जैसे हम कहते हैं ना, जैसे प्रिंट मीडिया था, सही है, हम उनको न्यूज़ बैरन्स क्या करते थे, सही है, बैरन्स कहा, न्यूज़ बैरन्स कहा करते थे भाई, जो न्यूज़ पेपर के जो एडिटर्स होते थे, जो कंट्रोलर होते थे, रूपर्ट मर्डॉक वगैरह, वो कहा करते थे, ठीक है। फिर आपके पास बिग सिक्स के ओनर्स आ गए, सही है। अब क्या दुनिया को ये फेसबुक वाला मार्क जुकरबर्ग चलाएगा, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, जुकरबर्ग चला रहा है, चला ही रहा है, ठीक है। अमेजोन वाला एलन मस्क चलाएगा, टेस्ला वाला, ठीक है। तो अब वो जो टेस्ला जो प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, ठीक है, वो जो पूरी दुनिया को वाईफाई देने वाला प्लान है, ठीक है, तो वो क्या है, द न्यू मीडिया प्रैक्टिसेस हैं, क्या मीडिया जो का जो पार है, द पार इज चेंजिंग, द पार पैरामीटर्स आर पैराडाइम्स आर चेंजिंग From old media owners to new media owners, यानी कि एक new media owners are controlling the, आप ये real examples, Elon Musk की, Mark Zuckerberg की, Bill Gates की example, control आ गया ना इनके हाथ में, सही है। अब ये सारी examples आप डाल सकते हैं, सही है, Elon Musk, Mark Zuckerberg, सही है, आपका Bill Gates, ठीक है, ये तमाम, इन तमाम ने evolution लेके आ गए system के अंदर, ठीक है, now they are the new media owners, ठीक है, एक नया system create हो सकता है, सही है। फिर हमारे पास अगर हम इसकी थोड़ी सी, अगर हम theoretical approach की तरफ चले जाएं, पुरानी approach की तरफ चले जाएं, तो Curran की theory आती है। Curran की जो जो ownership के हवाले से theory है, वो क्या कहता है, in 1937 4 press-bar balance थे, सही है,
फोर प्रेस, चार बंदे थे जो प्रेस बैलेंस कहलाए जाते थे, ठीक है। लेकिन आज की दुनिया में देर आर सेवन इंडिविजुअल्स जिन जो कंट्रोल करते हैं, जिसमें न्यूज़ कॉरपोरेशन का रूपर्ट मर्डॉक आ गया, यूनाइटेड न्यूज़पेपर आ गया, विस्काउंट काउड्रे आ गया, ठीक है, गार्जियन मीडिया ग्रुप आ गया, टेलीग्राफ ग्रुप आ गया, एसोसिएटेड न्यूज़पेपर आ गया, ठीक है। दीज आर द सिक्स टू सेवन बड़ी कंपनीज हैं जो प्रेस की कंपनीज हैं जो होल्ड करती हैं। एक्चुअली ये लोग क्या है पता है, ये सिर्फ इनके न्यूज़पेपर्स नहीं हैं, ये लोग दरअसल वो भी हैं, ये न्यूज़ एजेंसीज़ भी हैं, एसोसिएटेड प्रेस वगैरह न्यूज़ एजेंसीज़ भी हैं, ये पूरी दुनिया को खबर लेके खबर बेचते भी हैं, सही है। एपी न्यूज़ के ना एसोसिएटेड प्रेस जो है, ठीक है, पूरी दुनिया में इनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन जो अभी लेक्चर देख रहे हैं, प्लीज़ ये स्टूडेंट्स अपने पास कॉपी कर लें, मैं ऊपर से लेकर नीचे से थोड़ा सा कर लेता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा आगे पर्सपेक्टिव की तरफ आऊँगा, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा थ्योरी की तरफ आगे बढ़ते हैं, और एक सेकंड, अच्छा जनाब, अब इस थ्योरी की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, प्लूरलिज्म की तरफ बढ़ते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को इटसेल्फ थोड़ा सा मसला होता है कि यार ये प्लूरलिज्म आया कहाँ से, प्लूरलिस्ट थॉट है क्या चीज़, ठीक है। कहा जाता है कि 20th सेंचुरी के जो इनिशियल 70 ईयर्स थे वो प्लूरलिस्ट थॉट के एयर्स समझे जाते हैं, सही। प्लूरलिस्ट थॉट, देखिए याद रखिएगा, हमारे मीडिया में फंक्शनलिस्ट नहीं होते, इसमें प्लूरलिस्ट आते हैं उनकी जगह, ठीक है। अब प्लूरलिस्ट थ्योरी क्या कहती है, क्योंकि देखिए मीडिया का जो इश्यूज़ है ना वो बड़े अप्लाइड इश्यूज़ हैं, एप्लीकेशन के बहुत रीसेंट इश्यूज़ हैं, ठीक है। इसी वजह से ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म भी बहुत खामोश नज़र आता है इस हवाले से, क्योंकि उसके ज़माने का जो मीडिया था वो दरअसल प्रिंट मीडिया था, प्रिंट मीडिया या बुक्स फॉर्म ऑफ मीडिया था, इसलिए लिहाजा उसने कोई ज़्यादा बड़ी उसने कल्चरल एलिमेंट की तो बात की है, इसीलिए न्यू मार्क्सिस्ट आते हैं, हमें GMG ग्लासगो यूनिवर्सिटी मीडिया ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द मार्क्सिज्म एंड मीडिया, ठीक है जी। तो अब हम प्लूरलिज्म की बात करते हैं, तो ये इनिशियल 70 ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है इनके, क्या इनके प्लूरलिस्ट एक आम आदमी की सोच, सही है, जिसको लगता है सब कुछ ठीक हो रहा है, एक बहुत स्मूथ लाइन यानी कि अनबायस सोसाइटी है, सोसाइटी बहुत खूबसूरत चीज़ है जिसको लगता है, तो हम उस थॉट को आगे लेके चलेंगे। जो मैंने ग्रीन पार्ट में लिखा है ये बेसिक आर्गूमेंट्स हैं जो आप लोग क्रिएट कर सकते हैं प्लूरलिज्म के हवाले से, आपको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करना पड़ेगा इस चीज़ को। एक्चुअल में अगर हम बात करें प्लूरलिस्ट थॉट के हवाले से, जो कोर प्लूरलिस्ट हो, जैसे हमारी मार्क्सिस्ट की प्लूरलिस्ट कोर थॉट ये है कि भाई क्लास इनइक्वालिटी मौजूद है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट द प्लूरलिस्ट आर गोइंग टू आर्ग्यू दिस थिंग, द मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी एज अ डेमोक्रेटिक, दे यूज टू सी द मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी एज अ डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक इज गोइंग टू बी डेमोक्रेसी इज गोइंग टू रन बाय द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल होती है, सही है। तो ऑटोमेटिकली अगर डेमोक्रेसी का मतलब ये है द होल सोसाइटी इज गोइंग टू रन बाय द इंडिविजुअल्स, ठीक है, ये इंडिविजुअल थॉट, ये कंज्यूमर डिमांड, ऑडियंस डिमांड की बात करते हैं कि मीडिया वो कुछ दिखाएगा जो कंज्यूमर देखना चाहेगा, ठीक है। अच्छा जी, कंज्यूमर डिमांड, ऑडियंस डिमांड, यानी कि मीडिया कंटेंट ऑफ द मीडिया इज गोइंग टू ड्राइव बाय द ऑडियंसेस, हु इज गोइंग टू टेक द डिसीजन कि दिस कंटेंट इज गोइंग टू इज डिमांडेड बाय द ऑडियंस, दीज पीपल आर द मैनेजर्स और जर्नलिस्ट, व्हिच इज दैट्स व्हाई प्लूरलिज्म के साथ हम मैनेजेरियलिज्म को भी एड ऑन करते हैं, सही है, जिसको हम कहते हैं टेक्नोक्रेटिक मैनेजेरियल एलीट का नाम देते हैं। टेक्नोक्रेटिक मैनेजेरियल एलीट का मतलब है दीज आर द जर्नलिस्ट जो मीडिया कंटेंट को ड्राइव करने की एबिलिटी रखते हैं, अथॉरिटी रखते हैं, ठीक है जी। तो हमारे प्लूरलिज्म में कंज्यूमर डिमांड होता है, इसके अलावा कम्युनिकेशन इन मीडिया इज मोर सॉरी कंसंट्रेशन इज इन मीडिया इज मोर इकोनॉमिक नॉट आइडियोलॉजिकल। देखिए हमारे जो मार्क्सिस्ट है ना, मार्क्सिस्ट के नज़दीक मीडिया का जितने भी मसाइल हैं वो सारे आइडियोलॉजिकल हैं, ओनर्स आर ड्राइविंग द कंटेंट आइडियोलॉजिकली, ठीक है। लेकिन हमारे प्लूरलिस्ट के नज़दीक द कंसंट्रेशन इन द मीडिया का, यानी कि मीडिया के अंदर कंसंट्रेशन है, दे आर वेरी फ्यू ओनर्स, इसकी वजह क्या है कि उनके पास पैसा है, इसमें इनको प्रॉफिट नज़र आता है। प्लूरलिस्ट को लगता है कि ये जो कंसंट्रेशन हो रही है ओनरशिप के अंदर, ये पार के लिए या कोई आइडियोलॉजी या कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए नहीं हो रही, ये सारी कंसंट्रेशन इकोनॉमिक यानी कि इकोनॉमिक बेनिफिट को गेन करने के लिए की जा रही है, ठीक है जी। अब हम थोड़े से थ्योरिस्ट की बात करते हैं। वेल, एक थ्योरिस्ट है हमारे पास, इसके अंदर WHALE नाम है इनका। ओनर्स डू नॉट हैव इनफ टाइम टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल एवरीडे इश्यूज, यानी कि उनको लगता है कि ओनर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एवरीडे इश्यूज जो ऑपरेशनल इश्यूज हैं उसके अंदर क्या कर सकते हैं, उसके अंदर इंटरफेयर करें, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके हवाले से ही कुछ थोड़ी सी बात करूं, ठीक है,
अगर मैं इसके एवेल्युएशन की बात करूं, इन्फ्लुएंस ऑफ ओनर्स इन बिजनेस डिसीजंस, यानी कि बिजनेस के डिसीजंस जो हैं क्या ओनर के इन्फ्लुएंस के बगैर लिए जा सकते हैं? नहीं लिए जा सकते ओनर के इन्फ्लुएंस के बगैर, नहीं, यानी इन्फ्लुएंस मौजूद होता है, चाहे बेशक ले कोई और रहा हो लेकिन इन्फ्लुएंस मौजूद है। लेट्स सपोज कस्टम भाई एक इस कंपनी के अंदर रिडंडेंसी हो रही है, यानी कि डाउनसाइजिंग हो रही है, तो भाई डाउनसाइजिंग कोई मैनेजर नहीं कर सकता, ठीक है, ओनर्स कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस ज़रूर कर रहे होंगे इस चीज़ को, ठीक है जी। तो ओनर्स डू नॉट हैव इनफ टाइम टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल एवरीडे इशूज़, बट हम कहेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ ओनर बिजनेस डिसीजंस मौजूद होता है, ठीक है, और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस के अंदर। अब मैं क्या एक आर्गुमेंट क्रिएट किया, फिर मैंने उसकी इवैल्यूएशन आपसे डिस्कस की, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा कहते हैं अकॉर्डिंग टू प्लूरलिज्म द मीडिया रिफ्लेक्ट द सोशल रियालिटी, द सोशल रियालिटी इज रिफ्लेक्टेड बाय द मीडिया, ठीक है। मीडिया जो होती है वो होता है वो एक्चुअली सोशल रियालिटी को बता रहा होता है अकॉर्डिंग टू प्लूरलिस्ट, जैसा हो रहा होगा वैसे दिखा रहे होंगे, ठीक है। आप लेकिन आप उसके आगे बोल सकते हो भाई लेट्स सपोज प्रोपेगेंडा एंड एजेंडा सेटिंग, देखो मैं जो ग्रीन से लिख रहा हूँ इवैल्यूएशन पॉइंट है, सही है कि भाई आगे इसके एजेंडा हाउएवर द मीडिया मीडिया मैनिपुलेशन भी हो सकती है, आगे मैं भी पढ़ाऊंगा आपको कि मीडिया ओनर्स जो है वो मैनिपुलेशन भी कर रहे होते हैं। भाई सोशल रियलिटी नहीं है, वो रियलिटी इन दे ओन विजन के हिसाब से दिखाते हैं, यानी कि रियलिटी वो विजन दिखाना चाहते हैं जो वो दिखाना चाहें, ठीक है जी। अब प्लुरलिस्ट के नज़दीक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग शोज हाउ मीडिया इज इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव टू द वेलफेयर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि आपकी पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग यानी कि BBC हो गया, CNN हो गया, ये एक्चुअली डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रही हैं, तमाम चीज़ें डेमोक्रेटिक आइडियाज़ को प्रमोट करने के लिए। अब मैं इसका इवैल्यूएशन मैं आपको आगे दूंगा, ठीक है। जैसे कि हम इसके अंदर बात कर सकते हैं, मैं आपको यहीं पर मैंशन कर देता हूँ, डिक्लाइन ऑफ पब्लिक, एक तरफ तो हमने कहा ना ब्रॉडकास्टिंग, हमने यहाँ पे बात की थी किसकी, कि पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रही है, ठीक है। फिर आप कहेंगे हाउ आर द पब्लिक सेक्टर ब्रॉडकास्टिंग इज डिक्लाइनिंग, जिसके अंदर आप एग्जांपल दे सकते हो कमर्शियलाइजेशन ऑफ BBC, सही है। पहले एक ज़माने तक BBC कमर्शियल नहीं लेता था, सही है, BBC ने कमर्शियल बहुत टाइम के बाद लेना शुरू किया, सही है। तो क्या है, दैट इज़ ऑल अबाउट द कमर्शलाइजेशन ऑफ BBC का मतलब ये हो जाएगा कि भाई BBC इज़ कमर्शल है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो जिस चीज़ के बेसिस पे आप डेमोक्रेसी को खड़ा कर रहे थे वही चीज़ बिक गई है, किसी ने खरीद ली, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्लूरलिस्ट को लगता है स्टेट कंट्रोल द मोनोपोलीज एंड रेगुलेट द कंटेंट, यानी कि स्टेट जो है वो मोनोपोलीज को कंट्रोल करती है, सही है, यानी कि वो मुख्तलिफ ज़्यादा लोगों को लाइसेंसेस देगी, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को डिटेल में जाऊँ तो मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको कंटेंट रेगुलेट करिए। लेट्स सपोज आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, ऑफ एग्जांपल है इसकी ऑफकॉम, ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन UK का, वो लाइसेंसिंग इश्यूज को हैंडल कर रहा होता है, सही है, लाइसेंसिंग के इश्यूज को हैंडल करता है, ठीक है। वो मीडिया कंटेंट को रेगुलेट करता है, जिससे क्या होता है कि मैक्सिमम लोगों के पास वो लाइसेंस होता है, तो कोई एक मीडिया अथॉरिटी जो होती है वो अपने कंटेंट को के थ्रू उसके अंदर लोगों के अंदर जो है अपना जो आइडिया है वो अपना प्रोपेगेंडा सिर्फ इंटरफेयर नहीं कर सकती या फिर इंजेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है जी। अब थोड़ा सा आगे आते हैं, कार्ड्स एंड लेजर फील्ड को थोड़ा समझते हैं इसके अंदर। कार्ड्स एंड लेजर फील्ड ये वही सोशियोलॉजिस्ट ने टू स्टेप फ्लो मॉडल दिया, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअली देखें कार्ड्स एंड लेजर फील्ड की जो अगर आप थ्योरी की बात करते हैं तो हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया आता है, वो ये आता है कि इनके नज़दीक, बिकॉज ये एक्टिव ऑडियंस अप्रोच की बात करते हैं, ठीक है, ये एक्टिव ऑडियंस अप्रोच की बात करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो ये कहते हैं कि मीडिया हैज लिमिटेड इन्फ्लुएंस, सही है, मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत लिमिटेड होता है, ठीक है। लिमिटेड क्यों होता है, बिकॉज लिमिटेड एक्सपोजर मिलता है, यानी कि लोगों को 100% एक्सपोजर इवेंट का नहीं मिल रहा, लिमिटेड एक्सपोजर मिल रहा है, तो वो लोगों के पास एक चीज़ है, एक चीज़ आप टीवी पे देख रहे हो और एक चीज़ आप एक्चुअल में देख रहे हो, तो लिमिटेड एक्सपोजर हो गया टीवी के ऊपर, ठीक है। दूसरा क्या है, लिमिटेड एक्सेस, के लोगों के हर बंदे का एक्सेस नहीं है, लिमिटेड अटेंशन टू द मीडियम मैसेज, यानी कि जिस मीडियम के थ्रू मैसेज हो रहा है लोगों की अटेंशन बहुत कम टाइम के लिए होती है, अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है,
ठीक है। तो कहता है मीडिया इज लिमिटेड इन्फ्लुएंस, कहता है कि अब नेचर ऑफ कंटेंट एंड द फॉर्म, आई मीन कि इट डिपेंड्स, अब लोगों पे डिपेंड है ना, क्योंकि एक्टिव ऑडियंस है, अगर मेरे मतलब का कंटेंट होगा, नेचर ऑफ कंटेंट मेरे मतलब से लिंक होगी तो मैं देखूंगा, वरना नहीं देखूंगा। ठीक है, तो एक तरह से ये बात भी यानी कि ऑडियंस कंट्रोल की बात करें ना, द ऑडियंस यूज टू कंट्रोल द मीडिया कंटेंट वाली बात से लिंक हो जाएगी। ठीक ठीक है। फिर कहता है बिलीव्स एंड एटीट्यूड कैन मॉडिफाई एंड डिस्टॉर्ट द मैसेज, यानी कि लोगों की जो बिलीव्स एंड एटीट्यूड, लोगों के जो ख्यालात हैं, इंडिविजुअलिज्म मोर पावरफुल, प्लूरलिस्ट मॉडल है, इंडिविजुअल यूज टू डिफाइन द कंटेंट। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हम क्या करेंगे, बिलीफ एंड एटीट्यूड कैन मॉडिफाई एंड डिस्टॉर्ट द मैसेज, यानी कि मीडिया के मैसेज को लोगों के बिलीव्स चेंज कर सकते हैं। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टिल नाउ। अच्छा, अब हम ओवरऑल प्लूरलिज्म की, चले मैं इसको पहले थोड़ा सा टाइम देता हूँ, आप लोग कॉपी कर सकें इसको, ये लें चाहे तो स्क्रीन शॉट ले लें, जो लोग इसको ऑनलाइन देख रहे हैं आई होप ले लिया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्रिटिसिज्म्स की बात करते हैं, हमारे साथ जो हम जो प्लूरलिज्म के साथ क्रिटिसिज्म्स को लिंक करते हैं। ठीक है, प्लूरलिस्ट का सबसे बड़ा जो क्रिटिक है वो तो मार्क्सिस्ट है इटसेल्फ। ठीक है, ये तो बात तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब एक कुछ थ्योरी के साथ आपसे डिस्कस करता हूँ, कुछ स्टोरीज के साथ डिस्कस करता हूँ, मज़ा आएगा आपको। हमारे पास ब्लंडर एंड ग्रुविच, सही है, ब्लंडर BLUNDER ब्लंडर एंड ग्रुविच GURVITCH। ठीक है, ग्रुविच की थ्योरी है, क्या कहते हैं कि भाई इसने एक बात की थी, इमर्जेंट शेयर्ड कल्चर ऑफ पॉलिटिशियंस एंड जर्नलिस्ट है भाई, हमने इन्होंने ये चीज़ नोटिस की कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियंस एक साथ जी रहे हैं। ठीक है, वो शेयर्ड कल्चर जी, एक साथ पार्टी कर रहे हैं। ठीक है, जब ये दोनों एक साथ पार्टी करेंगे तो ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट क्या होगा कि पॉलिटिशियंस का मैसेज जर्नलिस्ट के थ्रू आगे मैनिपुलेट होगा, इंजेक्ट होगा ऑडियंस दिमाग के अंदर। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म तो वहीं ख़त्म हो जाएगा, भाई मेरी आपसे दोस्ती है, ठीक है, हम दोनों शेयर, हम दोनों पार्टी साथ करते हैं, हम दोनों घूमते फिरते साथ हैं, एक कल्चर को एंजॉय कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली क्या होगा, मैं आपके साहब के साथ लेट्स सपोज मैं जर्नलिस्ट हूँ और मैं आपके हिसाब से अपनी खबर मैनिपुलेट करना शुरू कर दूंगा, एजेंडा प्रोपेगेंडा डेवलप करना शुरू कर दूंगा। ठीक है जी, तो कहते हैं कि भाई मीडिया स्पिन बाय द स्पिन डॉक्टर्स, यानी मीडिया जो है वो जो स्पिन डॉक्टर्स हैं, वो जर्नलिस्ट हैं जो इनको मीडिया को घुमाना जानते हैं, वो घुमा रहे हैं मीडिया को, वही चला रहे हैं मीडिया को। ठीक है, फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेट 2003 में जब अटैक हुआ इराक के अंदर, तो 500 जर्नलिस्ट वर देयर टू कवर द बैटल लाइन। ठीक है, उस बैटल लाइन को कवर करने के लिए 500 जर्नलिस्ट मौजूद थे, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई US जर्नलिस्ट के अंदर कि US जर्नलिस्ट वर रिपोर्टिंग इन अ वे अ टास्क का वर्ड यूज़ कर रहे थे, अ टास्क, दिस इज अवर टास्क, द US आर्मी इज़ फॉलोइंग अवर टास्क, यानी कि तुम एक तरह से बायस हो गए ना, इंडिपेंडेंट तो नहीं रहे, यानी कि मैनेजर्स आर नॉट इंडिपेंडेंट ना। सही, तो आप ये 2003 वाला इंसिडेंट कई जगहों पर जहां भी आप प्लूरलिज्म को डालो वहां पे डाल दो, यू विल गेट अ वेरी गुड मार्क्स, कि एग्जामिनर बोलेगा हाँ इसको पता है, आर टास्क एक बहुत बड़ी स्टोरी थी इसके अंदर, इसके पर बहुत सारी रिपोर्टिंग्स बनी है कि भाई कौन कौन से रिपोर्टर्स थे जिन्होंने बायस रिपोर्टिंग की। ठीक है, अब क्या है, ओनर्स कैन सैक द जर्नलिस्ट, अगर जर्नलिस्ट उनके हिसाब से फॉलो नहीं करेगा तो जर्नलिस्ट को ओनर सैक कर लेगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म इज नॉट विजिबल, ये हम बात कर सकते हैं। ठीक है, ओनर्स एंड जर्नलिस्ट शेयर अ सेम वैल्यू, यानी कि अगर वो चीज़ सेम, यानी कि क्या ओनर्स आर, वो दोनों एक ही पेज के ऊपर अलाइन है एक दूसरे के साथ। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं स्टार्ट करूँगा मार्क्सिज्म को। ठीक है, तो आप इसको चाहें तो कॉपी कर लें, फिर मैं मार्क्सिज्म स्टार्ट करता हूँ।